हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी। सो गाइस, आज का ये वीडियो इग्नू के सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम लोग फिक्स प्रमोशन के ऊपर बातें करेंगे। सो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 में होना था, जो एग्जामिनेशन को 20 जनवरी 2022 से कंडक्ट करवाना था और फाइनली उसे अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। तो उस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देख ले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और आप हमें इन सभी सोशल मीडिया के थ्रू फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम लोग फिक्स प्रमोशन के ऊपर बातें करेंगे, इसलिए सभी स्टूडेंट वीडियो को देख लीजिएगा। और गाइज, उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करना चाहती हूँ, डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स है वो अपनी भड़ास उतार रहे इग्नू पे, बिकॉज इग्नू डिले कर रही है एग्जामिनेशन को। कोई स्टूडेंट्स प्रमोशन चाह रहे तो उन्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा है, स्टूडेंट्स ओपन बुक एग्जामिनेशन चाह रहे हो ऑनलाइन चाह रहे तो उन्हें उनके हिसाब से नहीं मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स काफी भरास उतार रहे हैं कि इग्नू यूनिवर्सिटी कैसी है, ये अच्छी नहीं है, इग्नू से मत करो कोर्सेस, राइट। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि इग्नू बेस्ट यूनिवर्सिटी है, इग्नू आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी देती है आपको लाइफ में ग्रो करने का। अगर यकीन नहीं होता तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यूपीएससी 2018 बैच की टॉपर श्रुति जयंत देशमुख, जिन्होंने रैंक ऑल इंडिया रैंक 5 लाया था। आप जाकर के इनके इंटरव्यू का वीडियो चेक करो, इन्होंने डिप्लोमा किया है इग्नू से, ठीक है। तो गाइज, आप कैसे कह सकते हो कि इग्नू यूनिवर्सिटी सही नहीं है, यहाँ से कोर्सेस नहीं करो। गाइज, क्या आपको पता नहीं है, क्या ये बात किसी से छुपा है, कोविड के केसेस कितने आ रहे हैं डेली, लाखों केसेस डेली आ रहे हैं। क्या ऐसे कंडीशन में अगर एग्जामिनेशन डिले हो रहा है तो आप यूनिवर्सिटी को दोष कैसे दे सकते हो, कैसे आप बोल दोगे कि इग्नू यूनिवर्सिटी सही नहीं है? बताओ, आप लोग खुद सोच के देखो, आपको इतनी अपॉर्चुनिटी देती है इग्नू यूनिवर्सिटी, बिकॉज आप इग्नू से कोर्स को करते हुए किसी अदर काम पे आप पूरा फोकस डाल सकते हो, आप पे कोई एग्जामिनेशन का प्रेशर नहीं होता है। अगर आपने इस बार एग्जामिनेशन छोड़ दिया तो नेक्स्ट टाइम दे लो, और ये पूरा इंडिया में इग्नू की प्रोग्राम जो आप करते हो इग्नू से तो वो वैलिड है, ठीक है गाइस। तो इससे बड़ा आप लोगों को मैं प्रूफ नहीं दिखा सकती कि आप लोग इग्नू को यूनिवर्सिटी को ये मत बोलो कि ये यूनिवर्सिटी सही नहीं है, डिले करती है, लेट करती है, यहाँ से प्रोग्राम मत करो। सो गाइस, आप लोग इस तरीके के बातें ना करो, इग्नू पे अपनी वरास मत उतारो, यूनिवर्सिटी को दोष मत दो। आप जाकर के भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को पता करो, वहां से जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मानो उनके 3 साल के प्रोग्राम को 5 साल में कंप्लीट कराया जाएगा, बिकॉज जो स्टूडेंट्स 3 साल से फर्स्ट ईयर में है, अब जाकर के उनका फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन लिया गया है, तो क्या उनको फाइनल ईयर कंप्लीट करते करते क्या उन्हें 5 साल नहीं लगेगा? तो और भी अदर जो यूनिवर्सिटी है उसके बदतर हाल है, ठीक है। आप जाकर के पहले पता कर लो और थोड़ा सा आप लोग अपना भी कॉमन सेंस रखो, यूनिवर्सिटी को दोष मत दो। अभी देश का ही हालत सही नहीं चल रहा है तो आप लोग यूनिवर्सिटी पे क्यों भरास उतार रहे हो? इग्नू बेस्ट यूनिवर्सिटी है, आपको अपने गोल पे 100% फोकस कर सकते हो आप इग्नू यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो, बिकॉज आप टेंशन इसमें फ्री रहते हो एग्जामिनेशन को लेकर, ठीक है। अगर आपसे किसी भी रीजन से दिसंबर सेशन का एग्जामिनेशन छूट जाता है तो नेक्स्ट आप जून सेशन में एग्जामिनेशन दे सकते हो, कोई इशू आपको नहीं होता है, आप टेंशन फ्री हो के अपने गोल को फोकस करते हो। और अगर आप बिजी होते हो तो नेक्स्ट सेशन में आप अपना एग्जामिनेशन दे लेते हो। सो गाइज, रिक्वेस्ट है आगे से आप लोग यूनिवर्सिटी को दोषी नहीं ठहराएंगे, राइट। तो गाइज, अब हम लोग आते हैं अपने मुद्दा पे, बात कर लेते हैं प्रमोशन पे। गाइज, मैंने 4 डेज पहले ये पोस्ट डाला था कि क्या आप टर्म एंड एग्जामिनेशन जनवरी 2022 को देने के लिए रेडी हो, तो आप यहाँ पर वोट देख सकते हो। 67% ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि रेडी नहीं थे और 33% ही स्टूडेंट थे जो कि रेडी थे, मीन्स ज्यादा स्टूडेंट रेडी नहीं थे इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। तो गाइज, वैसा ही हुआ जैसा आप चाहे, एग्जामिनेशन को पोस्टपोन्ड किया गया। 6 जनवरी को ही नोटिस आ गया कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड, तो वहीं पे काफी सारे स्टूडेंट्स इस बात से नाराज भी हुए कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड क्यों हुआ, क्योंकि मेरा टाइम लॉस हो गया, ठीक है। तो गाइज, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका टाइम लॉस हो रहा है, बट एग्जामिनेशन को पहले तो रोका जाएगा, तभी तो कोई डिसीजन लिया जाएगा ना, कि आपको प्रमोशन दिया जाए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाए, ओपन बुक एग्जामिनेशन लिया जाए, पहले जनवरी एग्जामिनेशन को पोस्टपोन्ड किया जाए, तभी तो डिसीजन उस पर लिया जाए। तो फाइनली आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो गया। सो गाइज, इग्नू आपके फेवर में ही फैसले लेती है, जो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होता है। आप लोगों को इग्नू प्रमोशन भी देगी, ये पहली बार नहीं हुआ है कि ऐसा कंडीशन आया है, इससे पहले भी ऐसा हुआ है 2021 में और स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया, इस बार भी प्रमोशंस मिलेंगे। आप लोग वेट करो, प्रमोशन के नोटिस आएंगे। और गाइज, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे उन स्टूडेंट्स का प्रमोशन फिक्स है, उनका प्रमोशन
होना ही है बिकॉज अभी एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया गया है और इस एग्जामिनेशन को अंजाम देते देते मान लो जैसे प्रमोशन ही देना है, ओपन बुक ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना है, जो भी होगा तो वो करते करते आपका आ जाएगा जून 2022, वो करीब आ जाएगा। तो फिर उसमें एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में है उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो वो डायरेक्ट फिर थर्ड ईयर के लिए एग्जामिनेशन उनका पास आ जाएगा। तो ऐसे में इग्नू को हर हाल में सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स को प्रमोट करना ही होगा, और प्रमोशन इससे पहले मिल चुका है, आप लोगों को भी पता है, तो प्रमोशन मिलेगा। तो वहीं पे काफी स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं कि मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ फाइनल ईयर का, मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, मुझे प्रमोशन। सो गाइज आप लोग वेट कीजिए, प्रमोशन के नोटिस आएंगे। अगर ओपन बुक एग्जामिनेशन फाइनल ईयर का लिया भी जाता है फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा, सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। बिकॉज आप यहाँ पर इस नोटिस को देख सकते हो जो कि जुलाई 2021 एग्जामिनेशन का नोटिस था, इसमें आपको यहाँ पर क्लियरली इस फर्स्ट नंबर पॉइंट में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर बताया गया था इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इज कंडक्टिंग टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 फ्रॉम 3rd अगस्त 2021 फॉर द फाइनल ईयर सेमेस्टर स्टूडेंट्स और मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम, मींस ओनली फाइनल ईयर वाले इन सभी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन लिया गया था और स्टूडेंट्स को प्रमोशन दिया गया था, ठीक है। और कुछ कंडीशन भी लगाए गए थे, यहाँ पर एक टेबल में बता दिया गया था कि ये सभी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल है। फाइन, तो गाइस पिछले ईयर के पेंडेमिक में भी आपका प्रमोशन हुआ था, स्टूडेंट्स को प्रमोशन मिला था। अभी का भी सिचुएशन सही नहीं चल रहा है देश का, आप लोगों को पता होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख लो इंडिया के कितने केसेस आ चुके हैं, ठीक है। रिकवरी भी हो रहा है, डेथ भी हुआ है, बट आप कंफर्म केसेस देख लो कितने हैं। तो अभी पेंडेमिक का सिचुएशन है, कोविड पिक पे है, तो जो भी इग्नू फैसले लेगी आपके फेवर में लेगी, प्रमोशन आपको मिलेगा। सो आप लोग वेट करें नोटिस आने का। और गाइस कभी भी आपको बैठना नहीं है ये सोच करके कि प्रमोशन हो जाएगा या फिर ओपन बुक एग्जामिनेशन हो जाएगा तो छोड़ देते हैं, पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। तो गाइस ऐसे में हो सकता है कि आपको परेशानी हो जाए अगर ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा दिया गया कोविड के केसेस कम होने के बाद, तो आपको परेशानी हो जाएगी। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है कि बैठ जाना है, आप पढ़ते रहिए। अगर प्रमोशन होता है तो ठीक है, ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है तो भी ठीक है, बट आपको बैठना नहीं है, प्रिपरेशन छोड़ के नहीं बैठेंगे, क्योंकि चांसेस है, इसके भी हाई चांसेस है कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे, डिले ही करवाए जाएंगे बट करवाए जाएंगे। सो इसके चांसेस है, इसलिए आप लोग बैठेंगे नहीं, प्रिपरेशन स्टार्ट रखेंगे, आप ये गलती नहीं करेंगे। फाइन, और गाइज आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए आपका बेस्ट रहेगा कि आप डाउनलोड सेक्शन पे जाए और यहाँ से जाकर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डाउनलोड कर ले यहाँ से, और यहाँ से आप 4-5 ईयर का मिनिमम प्रीवियस 4 ईयर का क्वेश्चन आप कर लो, यहाँ से आपका एग्जामिनेशन का बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगा। बिकॉज मैक्सिमम 90% क्वेश्चन आपके बैक ईयर से ही पूछे जाते हैं, इसलिए 3-4 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग डाउनलोड कर लो। जून 2021 के भी क्वेश्चन को यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है, और भी प्रीवियस ईयर को देखो, आपको पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या रिवाइज कर रहा है बार बार, उस पर आप लोग फोकस कर लो। ऐसे में आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे आप एग्जामिनेशन के लिए। चैनल पर भी आप जाकर के देख सकते हो, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज भी बना रखे हैं कई प्रोग्राम के, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिया हुआ है। अगर आपका कोई अदर प्रोग्राम है देन आप कमेंट करो, मैं उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज बना दूंगी। आप लोग वेट ना करें, एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट होगा, राइट। सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।